हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये पोको का M2 है जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें FRP लॉक लग गया, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। तो अगर आपके फ़ोन में इस तरह से लॉक लग गया और यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है जो आपको नहीं मालूम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड, इसमें मियो का 12.5 वर्जन अपडेट है, जो लेटेस्ट वर्जन है। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश इंडिया। आगे बढ़ जाएंगे, अब यहाँ पे इंडिया टिक कर लेंगे। यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे, अब यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ नीचे में टिक करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ 2 सेकंड रुकेंगे, अब यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने बोल रहा है। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फोन पे इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फोन नहीं है तो आप इस फोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा, आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, कनेक्ट हो गया यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और दूसरों को शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा। वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है डाउन कॉपी, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक डालने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक डालने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। पहले यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अगर आपको पासवर्ड लॉक पता है दोस्तों तो यहाँ पे डालें, ठीक है, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है, और दूसरा कोई पासवर्ड लॉक डाल के जब हम लोग इसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो वह रॉन्ग पासवर्ड लिख के आता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है यूज गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम लोग टाइप कर देंगे। यहाँ तो सब वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पे वही जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। देखिए यहाँ लिखा हुआ वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पे डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। यहाँ देखिए लॉक का सिंबल बना हुआ, मतलब इसमें गूगल अकाउंट लॉक लगा है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम बैक आ जाएंगे और एक बार बैक आएंगे वाईफाई नेटवर्क तक। आ गए वाईफाई नेटवर्क तक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में लिखा है ऐड नेटवर्क, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ ऊपर SSID लिखा हुआ है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे www.youtube.com। चलिए फटाफट लिख लेते हैं www.youtube.com। लिख लिए, अब हम लोग जो लिखे हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लिंक वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे हमारे फ़ोन का यूट्यूब खुल जाएगा। खुल गया। अब यहाँ ऊपर में आपको दिखिए कोने पर आपको प्रोफाइल वाला आइकॉन दिखा रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। ठीक से टैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेटिंग आपको दिखेगा, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ सबसे नीचे में आपको दिखेगा अबाउट, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पर देखिए लिखा हुआ है YouTube टर्न अप सर्विस, इस पर टैप कर देंगे तो हमारे फ़ोन का क्रोम ब्राउजर खुल जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। उसके बाद नो थैंक्स यहाँ पर टैप करेंगे, ठीक है, ब्राउजर खुल गया है। अब यहाँ ऊपर में टैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे VNROM, VM ROM लिख दिए। अब हम लोग सर्च कर देंगे इसे, चलिए सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको वी एम रोम का वेबसाइट दिखा रहा है, इस पर टैप कर देंगे तो हमारे फ़ोन पे वी एम रोम का वेबसाइट खुल जाएगा। तो देख सकते हैं खुल रहा है वी एम रोम का वेबसाइट। थोड़ा समय लग रहा है, नेट स्लो है, वेट करेंगे हम लोग। खुल गया वी एम रोम का वेबसाइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग, उसके सामने दिखेगा ओपन। तो सेटिंग के सामने जो ओपन लिखा हो उस पर हम लोग टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे
ठीक से टैप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे फ़ोन का सेटिंग खुल गया है, देखिए सेटिंग लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है अबाउट फ़ोन, इस पर हम लोग को एक बार टैप करना है। तो यहाँ पर आपको इस डिवाइस का मॉडल दिखाने लगेगा, पोको एम टू। इस फ़ोन में मीयू का 12.5.7 वर्जन अपडेट है, ठीक है, और इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है 11, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार बैक आ जाएंगे हम लोग, बैक आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पर खोजेंगे हम लोग ऐप्स। तो नीचे आएंगे तो आपको ऐप्स मिल गया, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। यहाँ आपको दिखेगा मैनेज ऐप, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से दिखाने लगेगा, यहाँ ऊपर में देखिए आपको चार ऑप्शंस दिख रहा है, इस चारों में से तीसरे नंबर पे आपको येलो कलर का फाइंड ऐप दिख रहा है, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे हमारे फ़ोन का गेट ऐप खुल जाएगा, ठीक है, खुल गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में स्किप दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ ऊपर में भी स्किप दिख रहा है, इस पर भी टैप कर देंगे, ठीक से टैप करेंगे, हो गया। अब यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ACTI। चलिए फटाफट लिख लेते हैं, ACTI लिख दिए, बस इतने ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर ऐप दिखने लगेगा ग्रे कलर का, इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ इंस्टॉल है, इस पर टैप करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर ओपन का भी ऑप्शन आ जाएगा, आ गया ओपन का ऑप्शन, इस पर टैप कर दिए तो ये ऐप ओपन हो गया। अब यहाँ ओके पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक हम लोग वेट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, खुल गया। अब यहाँ ऊपर में आपको सर्च बार दिख रहा है, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पेस SPACE, स्पेस लिख दिए। अब नीचे में आपको ये कीबोर्ड दिख रहा है, इस कीबोर्ड के नीचे में आपको स्पेस बटन दिख रहा है, इस पर हम लोग को एक बार टैप कर देना है। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड स्पेस फिंगरप्रिंट, इस पर हम लोग को टैप कर देना है, तो इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ नीचे में आपको दिख रहा होगा स्किप, इस पर हम लोग टैप कर देंगे, बस थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आपका फ़ोन खुल चुका है, पर हम लोग को यहाँ पर एक काम और करना है, पहले यहाँ नीचे ओके कर देंगे। अब क्या करेंगे, पावर बटन दबाएंगे और इस फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए अब इस फ़ोन को पावर बटन दबा के रिस्टार्ट कर लेंगे। तो ये पावर बटन इसे हम दबा के रखे रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा रिबूट, इस पर हम लोग टैप करेंगे और टैप टू रिबूट पर टैप करके इस फ़ोन को रिबूट कर लेंगे। तो हमारा फ़ोन रिबूट हो रहा है, मतलब रिस्टार्ट हो रहा है। तो जब तक हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद हमारे फ़ोन का FRP लॉक 100% अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर स्वैप करेंगे तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन अब खुल चुका है। अब हम लोग इस फ़ोन को चला सकते हैं, इसमें से लॉक हट चुका है। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट को बाईपास करते हैं। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।